का। दरअसल फर्जी वोटों को लेकर यह झड़प हुई है और ये सीधी तस्वीरें अमरोहा से है जहां पथराव तक हो गया है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे पुलिस द्वारा ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, लेकिन इसी बीच अमरोहा से एक खबर आई है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फर्जी मतदान को लेकर हिंसक झड़प भी हुई है। पत्थर तक चले हैं, पत्थरबाजी की घटना भी अमरोहा में हुई है और कितने बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, यह आप तस्वीरों में भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमरोहा में हिंसक झड़प हुई है, निकाय चुनाव के मतदान के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये इतनी भयावह हिंसक झड़प है कि जमकर पथराव भी किया गया है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा, मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया, लेकिन उसके बाद आखिर ये पत्थरबाज पहुंच कैसे गए, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे मौके पर मौजूद रहे, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से सभी 37 जिलों में मतदान कराए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा में ये हिंसक झड़प है। तो वही लगातार संभल से भी हम तक जो अपडेट पहुंच पा रही है वो ये है कि वहां भी फर्जी मतदाताओं को लेकर के एक झड़प हुई है। तो लगातार फर्जी वोटर्स को लेकर तमाम खबरें हमारे पास सामने आई है, लेकिन ये बड़ी तस्वीर है जो इस वक्त अमरोहा से आई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था कायम रहे, यूपी में वोट हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा में ये पत्थरबाजी की घटना हुई है। तो वहीं संभल में 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, उनके साथ ही 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि फर्जी वोटर आईडी लेकर ये सभी लोग संभल में अपना वोट डालने पहुंचे थे, जिसके बाद संभल पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 3 महिला वोटर्स समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जो वोटर्स है वो बुर्का पहनकर आई थी, जो महिला वोटर्स थी वो बुर्का पहनकर आई थी, ये अपडेट संभल से है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अमरोहा से सामने आ रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो धांधली की खबरें हैं वो सुबह तक हमें मिल रही है, लेकिन अमरोहा में पत्थर तक चल गए हैं, पत्थरबाजी की घटना भी हो गई है। लेकिन जो बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पत्थरबाज मतदान स्थल के करीब कैसे पहुंचे और उनके पास इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आए, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है शांतिपूर्ण तरीके से, तो बिल्कुल, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है सभी जिलों के मतदान स्थलों के बाहर की। लेकिन उसी बीच अमरोहा और संभल से एक बड़ी खबर सामने आती है कि वहां पर जो मतदान स्थल पर हिंसक झड़प भी हुई है, तो वहीं संभल में 3 बुरके पहनी महिलाओं के साथ कुल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए संभल से मुबारक अली हमारे साथ जुड़े हैं। मुबारक, संभल से फर्जी मतदान को लेकर के जो अपडेट हम तक पहुंच रही है वो ये है कि 3 बुरके पहनी महिलाओं के साथ कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसको लेकर? आपको बता दूं, जनपद संभल के किन्नौर तहसील का पूरा मामला, नगर पालिका किन्नौर का मामला है पूरा, और 3 महिला समेत 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस की पहली नजर है संभल के अंदर, कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जावे। और दूसरी तरफ पैजोई नगर पंचायत है, वहां पे भी एक हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, फर्जी वोट को लेकर काफी प्रशासन काफी सख्त है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन किस तरीके से इन सभी लोग की गिरफ्तारी की गई, आखिर पुलिस को कैसे पता लगा कि जो ये वोटर्स है ये पूरी तरीके से फर्जी है? पुलिस ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर रखी है, कोई भी वोटर फर्जी वोट नहीं डाल पाया, वोट डाल पाया जाए, और वोट जो ईमानदारी से यहाँ पे संभल में पोलिंग होना चाहिए, कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं, फिर प्रशासन जगह जगह लगा रखा है और पुलिस के 2 जवान भी लगा रखे हैं, और तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं जो किस तरह की बोले मामले सामने आए, कहीं भी वोट फर्जी पड़ा है वहां पर तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई है पुलिस ने। ठीक है, मुबारक अली, गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इस वक्त जो मतदान स्थल के बाहर की फिर मौजूदा स्थिति कैसी है, क्या स्थिति अंडर कंट्रोल में है या फिर पुलिस को कोई ऐसी आशंका है कि हिंसा हो सकती है? पुलिस को ऐसी कोई हिंसा नहीं है, जो कोई गड़बड़ी पाई जाए तो ना, कोई हिंसा की तस्वीरें कोई सामने नहीं आई, छोटी मोटी कोई घटना संभल में आई भी है उसे फिर भी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया गया है।
ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी मुबारक अली, लेकिन हम एक बार आपको फिर से ये पूरी तस्वीरें दिखा दे जो अमरोहा से सामने आई है, जहां फर्जी मतदान को लेकर के हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई है। ये सीधी तस्वीरें अमरोहा से है, तो प्राइम टीवी लगातार आपको हर एक पल पल के अपडेट दे रहा है। तो वही अमरोहा में हिंसक झड़प की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, उनके सामने ही पत्थरबाजी की घटना हुई है, लेकिन अभी तक इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। तो पत्थरबाजों का कहना है कि मतदान केंद्र के अंदर कई फर्जी वोटर्स मौजूद थे, जिसके बाद ये पत्थरबाजी की घटना हुई है और जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। तो सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा में जमकर हिंसक झड़प हुई है। पत्थर तक चले हैं और पुलिस को भागना तक पड़ा है। आखिर इतने बड़े संख्या में पत्थर कैसे आ गए, पत्थरबाज आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, कैसे इकट्ठा हो गए और क्या कुछ पुलिस ने इंतजाम किए थे, क्या फिर यहाँ पे पुलिस का इनपुट का फेल्योर माना जाए कि मतदान स्थल के बाहर जो लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे थे, क्या वो वाकई में सुरक्षित है? और अगर ऐसी ही लगातार घटनाएं सामने आएंगी तो आखिर जनता फिर किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा में हिंसक झड़प हो गई है और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें भी अमरोहा से सामने आई है। तो वही अगर हम संबल की बात करें तो संबल में भी तीन बुर्का पहने महिलाओं के साथ कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, क्योंकि ये सभी फर्जी वोटर्स बनकर अपना मतदान देने आए थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। कर्तव्य पालन के लिए मतदान किया है। ऐसा जो वोटर कम निकल रहे हैं, वोटर कम निकल रहे हैं, प्रतिशत कम निकल रहा है, सभी से सब मतदाताओं से अपील है प्रयागराज के भी और देश के जिन नगर निगमों में नगर पालिका। आज अभी मैंने लखनऊ में वोट डाला है और तमाम शहरियों से अपील है कि अपने वोट डालने की जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उसको ज़रूर अदा करें। और एक भैया मोल हो गया देखिए, हम लोग केवल हरदोई में नहीं, आज उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से हर जगह जीतने जा रही है, क्योंकि हम अपनी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए थे और जो माहौल मैं भी कई जनपदों में गया और जो माहौल मैंने जनता के बीच में देखा है, एक बड़ा समर्थन हमारी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन आया है और भारतीय जनता पार्टी की जो का नेतृत्व है, चाहे वो मोदी जी की नेतृत्व में हो या चाहे प्रदेश के सरकार के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो, उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने जा रहा है चुनाव में। शिवपाल यादव का बयान है कि नौकरशाही के भरोसे चुनाव हो रहा है, सही मतदान हो जाए तो भाजपा कहीं से नहीं जीतेगी। देखिए शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उन पे तो कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद समाजवादी पार्टी को अभी भी उस कार्यकाल में वो जी रहे हैं जब उनकी सरकार थी प्रदेश में और जिस तरीके से गुंडागर्दी के बल पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता करते थे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है और निष्पक्ष चुनाव शुरू हुए हैं, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हुआ है। यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीत रही है, भाजपा डरी हुई है, इसीलिए नेता उनके हेलीकॉप्टर से टहल रहे हैं।
अखिलेश जी, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 2014 से लगातार 4 चुनाव हारते चले आ रहे हैं, 24 की भी तैयारी है, और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, माफिया राज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो हरदोई तो निश्चित है, मेरे घर प्रदेश में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और हरदोई पूरे जिले में, टिकट तो मुझसे पूछे नहीं गए थे, फिर भी मैं कह सकता हूँ 9 दशक तो जीतेगा। प्रदेश में भाजपा बहुमत से जीतेगी। देखिए, ये मतदान वैसे भी निष्पक्ष होगा क्योंकि मेंबरों के इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गड़बड़ी करे तो मेंबर ही वहाँ मधुमक्खी की तरह चिपक जाएंगे, तो ये तो वो लोग आशंका कर रहे हैं गड़बड़ी की जो कमजोर है, हम लोग तो गड़बड़ी को आशंका। तो अमरोहा में ये बड़ी घटना हुई है जहां निकाय चुनाव के बीच मतदान केंद्र के बाहर जमकर पत्थरबाजी की घटना हुई है और ये सीधी तस्वीरें अमरोहा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां फर्जी मतदान को लेकर जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। इस दौरान पुलिस और अराजक तत्वों के बीच ये जमकर हिंसक झड़प हुई है क्योंकि इस दौरान पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए हैं और कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो मतदान केंद्र के अंदर भी जाने से डर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए विनीत हमारे साथ सीधा अमरोहा से जुड़े हुए हैं। विनीत, अमरोहा में पत्थरबाजी की घटना हुई है, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी, आखिर ये पत्थरबाजी की घटना क्यों हुई है? देखिए मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरौला नगर पालिका क्षेत्र का मामला है जहाँ पर ये फर्जी मतदान को लेकर के ये पत्थरबाजी की घटना हुई है। जो शुरू में बताया गया था कि विपक्ष पार्टी के द्वारा हुआ है, लेकिन अभी अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक हैं राजीव कुमार सिंह, उनका बयान जारी हुआ है, अधिकारी को उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बसपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फरी मतदान का विरोध किया था, जिसके बाद जो है बसपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की तरफ से ये पथराव हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से इस बवाल में जो है पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके इसे नियंत्रित किया है। हालांकि जो ये वीडियो है पथराव का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे के साथ साथ चुनाव आयोग में भी हड़कंप मचा है। मामले में अमरोहा जनपद की पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 4-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी मतदान जारी है। ठीक है विनीत, मतदान तो जारी है लेकिन ये पत्थरबाजी की तस्वीरों को भी कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में मतदान कराए जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है मुस्कान, जहां तक बात है प्रशासन के दावे की तो प्रशासन के दावे पे कहीं ना कहीं पलीता लगा है। प्रशासन का जो दावा था कि साफ शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान होगा, कोई बवाल नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, उस पर भी एक तरीके से जो है प्रश्न चिन्ह लगा है और ये गजरौला में जो घटना हुई है ये पूरे चुनाव पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी ठीक है, लेकिन विनीत इस दौरान जब पत्थरबाजी की घटना हुई है तो क्या किसी के हताहत होने की या घायल होने की भी खबर मिल रही है आपको? बिल्कुल गया है कि 6 से अधिक लोग घायल हैं। अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है, पुलिस का कहना है कि 4-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी मुस्कान, ठीक है विनीत, हमने ये पत्थरबाजी की जो घटना देखी है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, तो क्या जो मतदान केंद्र के अंदर जो लोग हैं क्या वो अब जाने से डर रहे हैं, वो मतदान करने से डर रहे हैं वहां के लोग? नहीं, देखिए थोड़ी देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ था लेकिन उसके बाद जो है प्रशासनिक मामले ने पूरी तरह से हालात नियंत्रित कर लिया और उसके बाद जो है लगातार नियंत्रण चल रहा है और जो मतदान है वो चल रहा है और किसी प्रकार का कोई भी खौफ नहीं है। ठीक है विनीत, ये पत्थरबाजी की तस्वीरें भी हमने देखी और आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि बीजेपी और बसपा के कार्यकर्ताओं की ये झड़प थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र के बाहर पत्थरबाज आ जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में पत्थर आ जाते हैं, तो क्या ये इंतजाम पहले से किए गए थे या फिर ये मौके पर ही हुआ जो हुआ? देखिए मुस्कान, ये सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये सब जांच का विषय है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग था
या अचानक में हुआ है। लेकिन विनीत, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर का वहां पे पहुंच जाना, पत्थरबाजों का पहुंच जाना, कहीं ना कहीं ये पुलिस पर बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से इंतजाम किए गए थे वहां पर। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये जो है एक तरीके से जो उनके सुरक्षा के इंतजामों का दावा था उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। बिल्कुल, लेकिन अब मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि अमरोहा में जो जनता का मिजाज है वो कैसा है, वो किस पार्टी के समर्थन में ज्यादा खड़ी हुई नजर आ रही है आपको? और देखिए, जाहिर सी बात है कि अमरोहा में खुद योगी बाबा आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से जो है एक लहर बनी है। और जो आप के मिजाज की अगर बात करें तो मिजाज कहीं पे त्रिकोणीय मुकाबले देखा जा रहा था बसपा और भाजपा का, और बल्कि कई जगह पर तो ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो प्रत्याशी हैं वो बिना किसी सामने दूसरे प्रत्याशी के साफ जीत रहे हैं। तो माना जा रहा है कि भाजपा को जो है 9 सीटों में से 8 सीटें मिल जाएंगी और भाजपा का जो है परचम लहर सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनीत हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमरोहा से पत्थरबाजी की जो तस्वीरें सामने आई है वो बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ये झड़प भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पत्थरबाजी की घटना हुई है, लेकिन फिलहाल अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई गई है। तो हमारे सहयोगी ने पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई, हर एक पल की सीधी अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है, हर एक चीज की सटीक जानकारी प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें अमरोहा से है जहां पर भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थर चले हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया है और अब जो लगातार वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तकरीबन 6 से ज्यादा घंटे का समय बीत चुका है और जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगातार लिखने में लगी हुई है कि आखिर उनका पसंद कौन है, उनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है, क्योंकि बात आगामी 5 सालों की है। वो 5 साल उस प्रत्याशी को देना चाहते हैं जो उनके क्षेत्र का विकास करे या जो एक विकास की नई इबारत लिखे। तो प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। 2 गज की दूरी, लेकिन वोटिंग भी है जरूरी। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप सभी जो दर्शक है प्राइम टीवी के वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि मताधिकार आपका अधिकार है जिससे आप अपने भविष्य के साथ अपने क्षेत्र के विकास का फैसला भी खुद ले सकते हैं। तो प्राइम टीवी लगातार आपको हर एक पल की अपडेट दे रहा है। आपको बताते चले कि लगातार सुबह 7 बजे से ही हम आपको मताधिकार की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहां पर कैसे स्थिति है, कहां पर पत्थरबाजी हुई, कहां पर स्थिति बेकाबू हुई है। लेकिन इसी बीच जो जानकारी हम तक लगातार मिल पा रही है कि फिलहाल यूपी के सभी 37 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो लगातार सुबह से ही जो वोटिंग है वो जारी है। तो लखनऊ में नगर निकाय चुनाव में एक बड़ा बवाल हुआ है। बंथरा के ग्राम रामचौरा में मतदान